उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी क्रम में बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा, प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। प्रदेश में गुंडागर्दी माफियागिरी का अंत हो रहा है और प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में पार्षदों सहित भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। डबल इंजन सरकार की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है। गुंडागर्दी माफियागिरी दंगागर्दी का अंत हो रहा है और विकास के नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं सभी से अपील करता हूँ, भाजपा प्रत्याशियों को कमल पे वोट देकर के भारी मतों से।